बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट अमन और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी फूड यूट्यूब चैनल। आज मैंने अपने चैनल में बनाया है मटका पालक आलू। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाएं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम लोग इसमें हाफ कप ऑयल ऐड कर देंगे मटके के अंदर। मटके को 3 से 4 मिनट पहले मैंने लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। प्याज है ये मेरे पास, जो इसके अंदर मैं डाल दूंगी। ओके जी, प्याज को हम लोग लाइट ब्राउन कर लेंगे लो फ्लेम पे, और ये लाइट ब्राउन होगा 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया, तो इसमें हम लोग जो है लहसुन अदरक और ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून। अच्छा सा मिक्स करेंगे। और अभी हम लोग इसको पकाएंगे मज़ीद, और मटके के नीचे आपने फ्लेम जो है वो लो ही रखना है। अभी प्याज जो है वो कम्प्लीटली लाइट ब्राउन नहीं हुआ, इनके लाइट ब्राउन हम लोगों ने करना है। अभी 5-6 मिनट और लगेंगे। ओके जी, पालक में क्योंकि ऑलरेडी नमक होता है इसलिए हम लोग 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड करेंगे, ज़्यादा नमक नहीं ऐड करना। टीस्पून हम इसमें जो है वो रेड पेपर ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और हल्दी इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे। ओके जी, अब 2 से 3 मिनट टमाटर को अच्छा सा पका लिया, और अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे और आलूओं को भी अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। एक से दो मिनट आलूओं को पकाएंगे। हो गया, और अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे। पालक जो है वो हम लोग थोड़ी थोड़ी करके ऐड करेंगे।
ओके जी, अब हम लोग पालक को जो है वो थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। हाँ ओके जी, अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अब मैं फ्लेम जो है और लो कर दूंगी। कर दिया। और अब हम लोग किसी भी स्टील के बर्तन से इसको ढक के रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ओके जी, अभी 5 से 6 मिनट हुए हैं और अब हम लोग पालक को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अभी सिर्फ इसको 6 मिनट हुए हैं पकते हुए और अब हम इसको मज़ीद जो है ना 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ढककर। ओके जी, पालक आलू जो हैं वो हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इसको मैं एक दफ़ा मिक्स कर लूँगी। और अब हम लोग फ्लेम को कर देंगे ऑफ और मटके में बनाने की ये ख़ासियत है कि ये अभी तक पकता ही रहेगा, 2 से 3 मिनट ये पकेगा, उसके बाद जो है ये पकना बंद हो जाएगा। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। तो तैयार है मज़ेदार किस्म का हमारा पालक आलू का मटका पालक आलू। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर करें। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाएं और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।